आज तारीख हो चुकी है 8 मई। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आई। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि आखिर आज एक बार फिर से कौन सी 8 बड़ी खबरें और आईपीएल को लेकर कौन से 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है राजस्थान रॉयल्स के यहाँ पर यंग तेज गेंदबाज चेतन सकारिया की तरफ से। दरअसल चेतन सकारिया आईपीएल पोस्टपोन होने के बाद अब अपने घर लौट चुके हैं और घर लौटने के बाद इनको बड़ा झटका लगा, जहाँ पर इनके पेरेंट्स कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और यहाँ पर आईपीएल खेलने से पहले इनके भाई ने सुसाइड भी कर ली थी। तो इसी वजह से यहाँ पर अब इनको बड़ा झटका लगा है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स की टीम ने यहाँ पर आधा आईपीएल सीजन होने के बावजूद अब चेतन सकारिया की यहाँ पर पूरी सैलरी इनको पे कर दी है और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने यहाँ पर इनके पेरेंट्स की यहाँ पर हेल्थ और सब कुछ मैनेज करने के लिए यहाँ पर हेल्प करी है। कुल मिलाकर यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने यहाँ पर चेतन सकारिया की हेल्प करी और पेरेंट्स को यहाँ पर कोविड-19 से रिकवर होने में भी यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने हेल्प करी है। और यहाँ पर अभी तक सभी टीमों ने अपने सभी प्लेयर्स को केवल आधी सैलरी पे की है, क्योंकि अभी तक केवल आधा आईपीएल हुआ है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स की टीम ने चेतन सकारिया को यहाँ पर पूरी सैलरी पे कर दी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम यहाँ पर इस पेंडेमिक में भी अपने सभी प्लेयर्स की हेल्प कर रही है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की, तो जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की तरफ से। दरअसल विराट कोहली ने यहाँ पर कोविड-19 की सेकेंड वेव में यहाँ पर एक बार फिर से अपनी तरफ से कुछ डोनेशन दिया है। यहाँ पर कल इन्होंने पीएम फंड में अपनी तरफ से यहाँ पर 2 करोड़ रुपए डोनेट किए, जहाँ पर भारत में चल रही इस कंडीशन में इन्होंने यहाँ पर अपनी तरफ से 2 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की, तो जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। दरअसल श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पर कल बीसीसीआई को लेटर लिखकर आईपीएल 2021 के सीजन के बचे हुए मुकाबलों को यहाँ पर श्रीलंका में होस्ट करने की मांग करी। यहाँ पर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने बताया है कि यहाँ पर जुलाई और अगस्त के महीने में श्रीलंका में श्रीलंका प्रीमियर लीग कराई जाएगी और इन्हीं पिचेस पर यहाँ पर ये लीग कराई जाएगी। इसी वजह से यहाँ पर अगर ये लीग सेफली होती है तो बीसीसीआई भी यहाँ पर सितंबर के महीने में आईपीएल के बचे हुए मैचेस को, आईपीएल की टूर्नामेंट को श्रीलंका में होस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने यहाँ पर बताया कि श्रीलंका में 8 स्टेडियम मौजूद है, तो सभी 8 टीमों को एक एक होम ग्राउंड देकर इस तरीके से यहाँ पर सभी 8 होम ग्राउंड या फिर सभी 8 ग्राउंड्स में आईपीएल के मैचेस कराए जा सके। कुल मिलाकर यहाँ पर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने तो यहाँ पर बीसीसीआई को आईपीएल कराने के लिए प्रपोजल दिया है। यहाँ पर अगर आईपीएल श्रीलंका में होता है तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को भी यहाँ पर काफी अधिक फायदा होगा, जहाँ पर एक मैच कंडक्ट कराने के लिए यहाँ पर बीसीसीआई की तरफ से इनको 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के बाद अब श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने भी यहाँ पर आईपीएल कराने के लिए बीसीसीआई को ऑफर दिया है। हालांकि श्रीलंका में आईपीएल होने के वैसे थोड़े कम चांसेस दिख रहे हैं। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर आईपीएल के बचे हुए मैचेस श्रीलंका में होने चाहिए, दुबई में होने चाहिए या फिर इंग्लैंड में होने चाहिए। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सी कंट्री, कौन सी वेन्यू में आईपीएल के मैचेस होने चाहिए, आप कमेंट जरूर करें। इसके बाद अगर हम बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की, तो ये चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को लेकर। दरअसल 18 जून से लेकर 22 जून के बीच हमें इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच इंग्लैंड में यहाँ पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल देखने को मिलेगा और इस फाइनल को लेकर अब यहाँ पर टीम इंडिया का ऑफिशियली स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। आप स्क्रीन पर सभी 20 प्लेयर्स के यहाँ पर नाम और तस्वीरें देख पा रहे होंगे। तो कुल मिलाकर अब बीसीसीआई ने यहाँ पर इस फाइनल मुकाबले के लिए अपनी तरफ से स्क्वाड अनाउंस कर दिया, जहाँ पर हार्दिक पांड्या को इसके साथ ही पृथ्वी शो कुलदीप यादव को जगह नहीं मिली है, जबकि केएल राहुल को यहाँ पर उनकी इंजरी के कंसर्न को देखते हुए अभी यहाँ पर वेटिंग में रखा, यानी केएल राहुल अगर रिकवर हो जाते हैं तो वो भी टीम का भाग होंगे। तो कुल मिलाकर अब इस स्क्वाड के साथ टीम इंडिया यहाँ पर फाइनल
खेलती हुई दिखेगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर इस स्क्वाड से टीम इंडिया फाइनल जीत पाएगी या फिर नहीं, या फिर आपके अकॉर्डिंग और किसी प्लेयर को इस स्क्वाड में मौके मिलनी चाहिए था, आप कमेंट जरूर करें। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं पांचवी बड़ी खबर की, तो जो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है टीम इंडिया के यहाँ पर इंग्लैंड ट्रेवल करने को लेकर। दरअसल बीसीसीआई ने यहाँ पर कल अपनी तरफ से स्क्वाड अनाउंस करने के साथ ये भी अनाउंस कर दिया है कि अब टीम इंडिया कौन सी तारीख को इंग्लैंड जाएगी और किस तरीके से अब यहाँ पर इस टूर्नामेंट में खेलेगी। जहाँ पर कल बीसीसीआई ने बताया है कि अब लगभग कुछ ही दिनों बाद यानी 2 जून को अब टीम इंडिया इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाएगी और 4 जून को वहाँ पहुँच कर लगभग यहाँ पर 12-14 दिन के क्वारंटाइन में चली जाएगी और 15 या फिर 16 जून से टीम इंडिया प्रैक्टिस शुरू कर देगी। हालांकि टीम इंडिया वहाँ पर कोई भी प्रैक्टिस मैच नहीं खेलेगी, केवल टीम इंडिया प्रैक्टिस कैंप का भाग बनेगी। तो इस वजह से बिना किसी प्रैक्टिस मैच के यहाँ पर इंग्लैंड की कंडीशन में अब आईपीएल के बाद टीम इंडिया यहाँ पर एक कोई मुकाबला खेलती हुई दिखेगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर बिना प्रैक्टिस के टीम इंडिया ये फाइनल मुकाबला जीत पाएगी या फिर नहीं। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं छठी बड़ी खबर की, तो जो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और कॉमेंटेटर केविन पीटरसन की तरफ से। दरअसल केविन पीटरसन ने यहाँ पर बीसीसीआई से रिक्वेस्ट करी है कि बीसीसीआई को यहाँ पर यूएई में आईपीएल ना कराकर इंग्लैंड में आईपीएल कराना चाहिए। जहां पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने तो बीसीसीआई को लेटर लिखकर आईपीएल कराने का प्रपोजल दिया, इसके साथ ही अब केविन पीटरसन ने भी यहाँ पर सौरव गांगुली से रिक्वेस्ट करी है आईपीएल के बचे हुए 31 मैचेस को यहाँ पर इंग्लैंड में कराया जाए। इसके साथ ही पीटरसन ने यह भी बताया है कि इंग्लैंड में यहाँ पर सितंबर के महीने में यहाँ पर क्राउड के साथ आईपीएल के मैचेस कराए जा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर सभी आईपीएल टीमों को एकदम फ्रेश पिचेस मिलेंगे यानी हाई स्कोरिंग पिचेस मिलेंगे। इसके साथ ही सितंबर का महीना यहाँ पर इंग्लैंड में क्रिकेट के लिए काफी सही होता है यानी वेदर भी यहाँ पर क्रिकेट के लिए सूटेबल रहेगा। कुल मिलाकर सारी कंडीशन आईपीएल के फेवर में रहेगी और हमें क्राउड के साथ आईपीएल देखने को मिलेगा, ये एक बेनिफिट होगा। इसी वजह से यहाँ पर केविन पीटरसन ने एक बार फिर से यहाँ पर बीसीसीआई और गांगुली से रिक्वेस्ट करी है कि आईपीएल के बचे हुए मैचेस को यहाँ पर इंग्लैंड में कराया जाए। आप कमेंट करके बताइए आप यहाँ पर पीटरसन की इस बात से सहमति रखते हो या फिर नहीं, आपके अकॉर्डिंग इंग्लैंड में आईपीएल के मैचेस होने चाहिए या फिर नहीं। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं सातवीं बड़ी खबर की, तो जो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है आईपीएल में न्यू प्लेयर्स की एंट्री को लेकर। दरअसल कल बीसीसीआई ने आईपीएल 2021 के सीजन के बचे हुए मैचेस को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया, जहां पर बीसीसीआई ने बताया है कि यहां पर आईपीएल में एक टीमों के पास लिमिटेड प्लेयर्स होने के कारण यहां पर आईपीएल के मैचेस पोस्टपोन हुए। इसी वजह से अब बीसीसीआई ने बता दिया है कि कोई सी भी वेन्यू पर आईपीएल कराया जाए, चाहे इंग्लैंड में आईपीएल कराया जाए या फिर श्रीलंका या फिर दुबई, कहीं पर भी आईपीएल कराया जाए, सभी आईपीएल टीमों को अपने साथ 5-5 एक्स्ट्रा प्लेयर्स को ले जाना होगा। यानी जो भी प्लेयर्स ऑक्शन में सोल्ड गए थे उन प्लेयर्स में से अब यहाँ पर टीम में प्लेयर सेलेक्ट करके 5-5 एक्स्ट्रा प्लेयर्स को अपने साथ यहाँ पर भारत से बाहर आईपीएल खेलने ले जाएगी, ताकि अगर कोई भी समस्या होती है तो इन प्लेयर्स को खिलाकर यहाँ पर मैचेस कराए जा सके। जहाँ पर कुल 2 यहाँ पर ओवरसीज प्लेयर और 3 यहाँ पर इंडियन प्लेयर्स को टीम अपने साथ एक्स्ट्रा अब यहाँ पर आईपीएल के लिए लेकर जा पाएगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग का सही फैसला या फिर सही नियम है या फिर नहीं। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो जो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है यहाँ पर आईपीएल की होस्टिंग यहाँ पर वेन्यूज को लेकर। दरअसल आईपीएल 2021 के सीजन को होस्ट करने के लिए अब तक यहाँ पर 4 क्रिकेटिंग बोर्ड ने बीसीसीआई से रिक्वेस्ट कर दी है। यहाँ पर सबसे पहले यूएई में आईपीएल करने की बात सामने आई थी, इसके साथ ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इसके साथ ही क्रिकेट इंग्लैंड ने भी यहाँ पर आईपीएल को होस्ट करने के लिए बीसीसीआई से रिक्वेस्ट करी है। और अब तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी यहाँ पर आईपीएल को होस्ट करने के लिए कल लेटर लिखकर बीसीसीआई से रिक्वेस्ट करी है। तो कुल मिलाकर ये आईपीएल के लिए बड़ी कुछ खबर है कि आईपीएल 2021 के सीजन के लिए अब 4 वेन्यूज उपलब्ध हो चुके हैं, 4 यहाँ पर वेन्यूज पूरी तरीके से अवेलेबल हो चुके हैं और भारत में तो लगभग 6-8 महीने तक हमें कोई भी क्रिकेट देखने को नहीं मिलेगा। इसी वजह से इन 4 विकल्पों में से हमें किसी एक विकल्प में अब आईपीएल के बचे हुए मुकाबले कुछ ही महीनों में देखने को मिलेंगे। आईपीएल को लेकर ये बड़ी कुछ खबरें निकल रही है, आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर सितंबर या फिर अगस्त के महीने में कौन सी वेन्यू पर आईपीएल कराना सबसे अधिक सूटेबल रहेगा, आप कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।